Hello everyone, welcome to Botany Option Channel for UPSC examination. In this video, we are going to see the MCQs relating with the environmental studies. जैसे आपको पता ही है कि UPSC examination में बहुत सारे environment के related MCQ पूछे जाते हैं और ये MCQ majority of the time 5 से लेके 7 होते हैं. तो preliminary examination में इनका अच्छा खासा importance है. तो इसीलिए environment के बारे में आपकी अच्छी understanding होना ये बहुत ज़्यादा critical है. तो इस particular video में environment से related जो भी critical concepts like greenhouse gases, then acid rains, global warming, इत्यादि विषयों पे हम डिटेल पे बात करेंगे और एमसीक्यू से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या फिर कौन कौन से ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में हेल्प कर सकती है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन. बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग पीएच इज रेन रिगार्डेड एज एसिड रेन. मतलब नीचे के दिए गए जो पीएच है इसमें से कौन सा पीएच एसिड रेन को डिनोट करता है. तो देखिए, एसिड रेन किसी भी रेन को एसिड रेन कहने के लिए एक पर्टिकुलर पीएच होता है. वैसे एसिड जो स्केल होती है पीएच की स्केल एक से लेके तो 14 तक होती है और 7 या उस पे मिड पॉइंट होता है. 7 यानी न्यूट्रल. मतलब अगर कोई भी वाटर है और उसका पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल होता है. मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है वो उसका पीएच 7 होता है, इसलिए हम उसको ड्रिंक कर सकते हैं. लेकिन अगर 7 के अगर आप पीछे जाओगे यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो ये एसिडिक बनता है. मतलब इधर एसिड्स है. पीएच स्केल के अगर 6, 5, 4 की तरफ अगर आप जाओगे तो ये एसिडिक बनता है वाटर और पीएच स्केल के आगे जाओ तो आप 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 देन इट बिकम्स द बेसिक. इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी रेन है अगर उसका पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल रेन है, उसका वाटर बिल्कुल न्यूट्रल है. अगर वो 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक पीएच है, अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक पीएच है. देखिए, जैसे यहाँ पे नाम बताया जा रहा है एसिड रेन, ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है कि जो एसिडिक रेन होती है उसका जो पीएच होगा वो 7 से कम ही होगा हमेशा. तो यहाँ 7 से ज्यादा यानी 7.3 ये तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो ये तो बेसिक पीएच हो गया. उसके बाद जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि 7 ही न्यूट्रल होता है तो 7 भी हो नहीं सकता. लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है 6 और दूसरा है 5.6, बोथ आर एसिडिक, राइट. लेकिन स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड के हिसाब से जो स्टैंडर्ड एसिडिक पीएच जिसको समझा जाता है फॉर द एसिड रेन वो है 5.6. तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि 5.6 जब एसिड रेन का पीएच बन जाता है तभी उसे एसिड रेन बोला जा सकता है, उससे पहले उसको एसिड रेन नहीं बोला जा सकता. इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी रेन का पीएच अगर 6 है तो उसे एसिड रेन हम नहीं बोल सकते. उसे एसिड रेन बोलने के लिए उसका एसिडिक पीएच 5.6 ही होना चाहिए या फिर उससे बिलो होना चाहिए, तभी जाके हम उसको एसिडिक रेन बोल सकते हैं. तो ये जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन 3, दैट इज 5.6. सी द सेकंड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस द ग्लोबल वार्मिंग. इसका मतलब ये है कि नीचे दिए गए जो ऑप्शन है इसमें से कौन ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग. तो यहाँ देखिए चार ऑप्शन है. पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन एंड देन हाइड्रोजन. तो आपको पता ही होगा बेसिकली CO2 जो है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है. ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसके सोर्सेज बहुत सारे हैं और इन सोर्सेज से कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है और इंक्रीज होने की वजह से हमारे मदर अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है और इस टेम्परेचर की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे हो रही है. अगर दूसरे ऑप्शंस की ओर अगर हम देखें लाइक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वजह से कभी ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती. ऑक्सीजन एक ग्लोबल वार्मिंग वाला गैस नहीं है या फिर ग्रीन हाउस वाला गैस नहीं है. नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन भी 78% है एनवायरनमेंट में लेकिन वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस नहीं है. देन वी हैव द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. तो नीचे वाले जो तीनों ऑप्शन है ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है और ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं करते हैं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दी ग्लोबल वार्मिंग. नाउ ये ऐसा क्यों होता है? देखिए CO2 का ये ऐसा क्या खास बात है कि हमारी मदर अर्थ जो होती है, देखिए यहाँ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सनलाइट से आता है. जो सनलाइट है उसके सन रेज मदर अर्थ पे आते हैं और उसी की वजह से फोटोसिंथेसिस वगैरह सारी प्रोसेसेस होती है. लेकिन खास बात यह है कि यह सनलाइट पूरा का पूरा मदर अर्थ एब्जॉर्ब नहीं करती है. इसका कुछ पोर्शन जो होता है वो रिफ्लेक्ट किया जाता है वापस एटमॉस्फेयर में, वो वापस जाता है. मतलब वो आता है और सरफेस पे टकराता है और सरफेस से फिर से वापस जाता है. लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं लाइक CO2, अगर ये CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा है तो ये CO2 के पास ये एबिलिटी होती है कि ये जो वापस जा रहा रेडिएशन होता है उसको ये ट्रैप कर लेता है और उसको ट्रैप करने के बाद उसको रखता है एटमॉस्फेयर में.
अब एटमॉस्फेयर में रहने की वजह से ये टेम्परेचर बढ़ाता है फिर, तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल सीओ टू के होंगे एटमॉस्फेयर में उतना ज्यादा वहां पे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। तो आपको स्ट्रिक्टली याद रखना है कि सीओ टू इज अ ग्लोबल वार्मिंग कॉजिंग गैस बिकॉज इट कैन शो द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यहाँ पे जो अदर ऑप्शन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज वाई ऑप्शन ए जो है दिस द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर द मेन कंट्रीब्यूटर्स टू द एसिड रेन, मतलब एसिड रेन होने के लिए कौन सी दो गैसेस रिस्पॉन्सिबल है। हमने अभी एसिड रेन के पीएच के बारे में डिस्कस किया था कि 5.6 जब पीएच होता है तभी उसको एसिड रेन बोला जा सकता है, लेकिन कौन सी ऐसी गैसेस है विच आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड फोर्थ इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे जो एसिड रेन है उसके लिए थोड़े अलग गैसेस रिस्पॉन्सिबल है लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड दी नाइट्रस ऑक्साइड, यानी SO2 और NO, दीज गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एसिड रेन, ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एसिड रेन के लिए आपको स्पेशली याद रखना पड़ेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एसिड रेन, और इन्हीं दो गैसेस की वजह से एसिड रेन होता है। देखिए इन दो गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन एटमोसफेयर में इसलिए बढ़ता है क्योंकि पोल्यूशन जो बढ़ रहा है ड्यू टू द हेवी व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इंडिया में जितने भी व्हीकल्स है उनसे ये SO2 और NO2 बाहर निकलता है, और इस NO2 SO2 का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे एटमोसफेयर में बढ़ता है वैसे वैसे एसिड रेन होने के जो चांसेस है वो बढ़ते जाते हैं। अब देखिए लेटेस्ट एग्जाम्पल ताजमहल का है कि ताजमहल में बोला जा रहा है कि एसिड रेन होने की वजह से वो येलो होता जा रहा है डे बाय डे, वैसे तो उसका प्योर कलर जो है वो व्हाइट कलर है, लेकिन एसिड रेन होने की वजह से जो एसिड रेन के ड्रॉपलेट्स है वो ताजमहल पे गिर रहे हैं और वो व्हाइट से येलो टर्न हो रहा है। तो जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल इस एसिड रेन के लिए वो है सल्फर डाइऑक्साइड एंड दी नाइट्रस ऑक्साइड। ऑलराइट, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग, मतलब नीचे दिए गए गैस में से कौन सा ऐसा गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला गैस दिया गया है CH4, दैट इज मिथेन। सेकंड गैस है CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, देन वी हैव सल्फर एंड देन वी हैव द एसिटिलीन। तो देखिए यहाँ पे जो मिथेन है ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, दैट मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। देन कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अभी हमने देखा कि वो भी एक ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने वाला गैस है। उसके बाद सल्फर अभी हमने देखा कि वो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उससे भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए इनडायरेक्टली वो कंट्रीब्यूट करता है, राइट। तो सल्फर भी उसी कैटेगरी में, लेकिन एसिटिलीन जो है ये बड़ा ऑड ऑप्शन है, इसमें ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने वाला गैस नहीं है। तो यहाँ पे मिथेन ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, सल्फर भी ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, लेकिन एसिटिलीन जो है ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज नहीं करता। दैट इज वाई ऑप्शन 4 इज द गैस विच इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग, हेंस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द आंसर नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस, अब देखिए ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। अब देखिए अभी हमने बात की कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा होता है, ग्रीन हाउस गैस वो गैसेस होते हैं जो मदर अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है इस एटमॉस्फेयर में अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाए तो वो जो इनकमिंग रेडिएशन है और जब वो आउट गो करता है सरफेस से तो इस आउट गोइंग रेडिएशन को वो रोकने का काम करते हैं। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रीन हाउस गैस है, उसके बाद जो सेकंड है इट्स कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद मीथेन अभी हमने डिस्कस किया CH4 इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि तीनों गैसेज जो है वो आउटगोइंग रेडिएशन को रोक के रखती है और रोक के रखने की वजह से इस एटमॉस्फेयर में जो है वो टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहता है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फिर ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है और मीथेन भी है, लेकिन ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑक्सीजन जो है वो कोई आउटगोइंग रेडिएशन को ट्रैप नहीं कर सकता, इसीलिए ऑक्सीजन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन डे इज ऑब्जर्व ऑन, ओजोन डे किस दिन मनाया जाता है ऐसा ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है January 3, देन March 26, देन November 10 एंड September 16। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है September 16 इज सेलिब्रेटेड एज अ ओजोन डे। देखिए ओजोन डे के बारे में यहाँ पे ओजोन डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ओजोन लेयर जो है जो हमारे मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द आउटसाइड, ये जो ओजोन लेयर है इसके बारे में अच्छी खासी अवेयरनेस पूरी दुनिया में हो इसलिए ओजोन डे मनाया जाता है, और ये जो ओजोन डे है ये September 16 को मनाया जाता है। दैट इज व्हाई ऑप्शन 4 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेंस कैन बी यूज्ड एज, लाइकेंस हमने बहुत बार बात की है हमारे वीडियो लेक्चर में कि लाइकेंस जो होते हैं वो अल्गी और फंगस का जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इन विच दिस शोज द म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में दोनों वो एक दूसरे का फायदा कराते हैं। अल्गी जो है वो फूड प्रोवाइड करता है फंगस को और फंगस जो है वो वाटर प्रोवाइड करता है अल्गी को।
तो अल्गी और फंगाई के इस पॉजिटिव कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। तो यह पूछा गया है कि अल्केन सॉरी लाइकेन्स किस लिए यूज किए जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है एज अ सोर्स ऑफ वुड, देखिए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये जो लाइकेन्स होते हैं ये उनका बड़ा थैलेकोइड स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार का, तो यहाँ पे वुड का कोई सवाल नहीं है, कोई वहाँ पे स्टेम होती नहीं है, तो वो सोर्स ऑफ वुड नहीं है। देन इनिशियल वेजिटेशन फॉर द वेस्ट लैंड, जिन्हें ये भी वेजिटेशन क्रिएट नहीं करता। हाँ सक्सेशन जब होता है किसी भी एरिया में, जब कोई लाइफ होती नहीं है तो सक्सेशन जब होता है तो पायोनियर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लाइकेन ही होते हैं। सबसे पहले लाइकेन वहां पे आते हैं, लाइकेन रॉक पे आने के बाद वो पेडोजेनेसिस का काम करते हैं यानी सॉइल फॉर्मेशन का काम करते हैं बाय सीक्रेटिंग द एसिड्स ऑन दीज रॉक्स। तो सक्सेशन में उसका वर्क है लेकिन वो इनिशियल वेजिटेशन फॉर्म नहीं करता है वेस्टलैंड में। तो ऑप्शन ऑप्शन टू जो है वो भी रॉन्ग है। देन थर्ड ऑप्शन, इट एक्ट एज ए बायो इंडिकेटर फॉर द वाटर एंड द एयर पोल्यूशन। तो देखिए जो थर्ड ऑप्शन है वो वाटर के लिए तो इंडिकेशन इतना नहीं देता है लेकिन एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट उस पर बहुत ज्यादा होता है। नाउ जो फोर्थ ऑप्शन है वो है टू चेक द एयर पोल्यूशन। ये ऑप्शन एक्यूरेट हो सकता है फोर्थ ऑप्शन, वो इसलिए क्योंकि जो लाइकेन्स है वो बहुत सेंसिटिव है किसी भी टाइप के पोल्यूशन के लिए, पर्टिकुलरली सल्फर पोल्यूशन के लिए। अब देखिए जहां जहां पर भी लाइकेन आ सकते हैं, जहां लाइकेन अगर कुछ एरिया में ग्रो हो रहे हैं तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि वो एरिया पोल्यूशन फ्री है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर लाइकेंस को ग्रो होना है तो वहाँ 0.1% भी पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं पोल्यूशन के लिए। अगर लाइकेंस ग्रो किसी जगह पे ग्रो होने लगते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे ये है कि नियरली वहाँ पे 0% पोल्यूशन है, लेकिन अगर थोड़ा भी पोल्यूशन उस एरिया में है तो लाइकेन वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे। यही बेसिक रीजन है क्यों हमें सिटीज के अराउंड मतलब शहरों के आसपास कभी भी हमें लाइकेंस देखने को नहीं मिलते। ये उसका रीजन है क्योंकि शहरों में जो है वो पोल्यूशन होता है और पोल्यूशन जहाँ पे भी होता है लाइकेन वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते। तो लाइकेन इस बात का इंडिकेटर है कि अगर वहाँ पे लाइकेन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो पोल्यूटेड एरिया है, और अगर किसी जगह पे लाइकेंस है तो इसका मतलब वो पोल्यूशन फ्री एरिया है। दैट इज वाई टू चेक द एयर पोल्यूशन लाइकेंस को यूज किया जा सकता है। दैट इज वाई ऑप्शन फोर जो है ये इसका राइट आंसर है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ द ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमोस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। देखिए किस टर्म में इसको यूज किया जाता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा हो सकता है कि यूपीएससी इसको डायरेक्टली एज इट इज पूछ ले, क्योंकि जो ओजोन है ये बड़ा बर्निंग इशू है, ठीक है ना, एनवायरमेंटल इशू में जो ओजोन लेयर का जो थिकनेस कम होते जा रहा है ये बहुत कंसर्न करता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि ओजोन का जो लेयर है वो इंटैक्ट रहे, और उसके लिए बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहते हैं और इन्वायरमेंट में ये काफी बर्निंग इशू है। तो यहाँ पे देखिए किस यूनिट में उसको गिना जाता है, ओजोन का जो थिकनेस है, अगर थिकनेस गिनना हो ओजोन का तो किस यूनिट में गिनेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो एनसीआरटीज में दिया गया है, इट इज कॉल्ड द डॉप्सन यूनिट्स। डॉप्सन यूनिट्स में ओजोन लेयर को गिना जाता है। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि डॉप्सन यूनिट में उसका मेजरमेंट होता है क्योंकि डॉप्सन यूनिट के आसपास ही क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो जो थिकनेस है ओजोन का वो डॉप्सन यूनिट में मेजर किया जा सकता है। दैट इज ऑप्शन फोर जो है ये इसका राइट आंसर है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट एयर वाटर एंड सॉइल वॉज पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो मतलब बस ईयर पूछा गया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इंडिया में कौन से साल पास किया गया था। जो इस एक्ट के हिसाब से एयर वाटर और सॉइल में जो पोल्यूशन होता है उसको रोका जाता है थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्ट इसलिए बनाया था क्योंकि एयर पोल्यूशन जो हो रहा है, वाटर पोल्यूशन जो हो रहा है और सॉइल पोल्यूशन जो हो रहा है ये रोका जा सके। तो ये कब बनाया गया था, ईयर पूछा गया है। नीचे चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1971, देन 1974, देन 1981, देन 1986। तो इसका जो आंसर है वो है फोर्थ आंसर, दैट इज 1986। देखिए 1986 में इंडिया में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया गया था, हालांकि 1972 से ही ये बोला जा रहा था कि आप ये एक्ट पास कीजिए जिससे एयर का पोल्यूशन, वाटर का पोल्यूशन और सॉइल का पोल्यूशन कम हो सके, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कभी इसको सीरियसली नहीं लिया। लेकिन हुआ ये कि 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जहाँ पे मिथिल आइसोसाइनाइड वहां पे लीक हुआ था और थाउजेंड्स ऑफ लोगों की वहां पे डेथ हो गई थी। तो 1984 में जब ये ऐसा एनवायरमेंट के रिलेटेड एक डिजास्टर्स इशू वहां पे हो गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको सीरियसली लेना पड़ा, और फिर जाके 1986 में इंडिया ने या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर, दैट इज 1986। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट इन विच लेयर। जैसे आपको पता ही हुआ कि ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ये डिफरेंट लेयर्स है अराउंड द मदर अर्थ, तो कौन से लेयर में ओजोन लोकेटेड है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया। तो ये बड़ा सिंपल है, जो स्ट्रेटोस्फियर है स्ट्रेटोस्फियर के लेयर में जो है वो ओजोन प्रेजेंट है। दैट इज वाई ऑप्शन थ्री जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो वाज रिलेटेड टू।
मतलब अर्थ समिट जो हुई थी रियो दी जेनेरियो में, वो किसके रिलेटेड थी? तो पहला जो ऑप्शन है वो है सॉइल फर्टिलिटी, सेकंड सर्वे ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, देन कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड देन प्रिवेंशन ऑफ अफॉरेस्टेशन। तो इसमें जो ऑप्शन 3 है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, इसके लिए ये रियो दी जेनेरियो में ब्राजील में ये समिट ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसको फेमसली अर्थ समिट बोला जाता है। तो ये जो रियो दी जेनेरियो है ये लोकेटेड है ब्राजील में, और ब्राजील में ये समिट हुई थी विच इज कॉल्ड दी अर्थ समिट, एंड इट इज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस वहां पे हुई थी। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डेटा बुक प्रोवाइड्स डेटा ऑन, मतलब रेड डेटा बुक जो है वो, ये जो बुक है रेड डेटा बुक, इसमें कौन सा डेटा है? सी फर्स्ट ऑप्शन इज रेड कलर्ड प्लांट्स, देन रेड कलर्ड फिशेस, देन एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, देन रेड आइड बर्ड्स। तो देखिए ये जो रेड डेटा बुक है, जो एंडेंजर्ड प्लांट्स बन गए हैं, मतलब एंडेंजर्ड का मतलब ये होता है कि ऐसे प्लांट्स कि जो अब एक्सटिंक्ट होने के लेवल तक आ गए हैं, मतलब उन बहुत ही कम स्पीसीज बचे, कुछ ही प्लांट्स बचे गिने चुने, कि 100-200 प्लांट पूरी दुनिया में है, तो वो एंडेंजर्ड बन गया है, वो कुछ टाइम अगर उसके और ध्यान नहीं दिया गया तो वो एक्सटिंक्ट हो सकता है कुछ दिनों बाद। तो ऐसे एंडेंजर्ड प्लांट्स और ऐसे एंडेंजर्ड एनिमल जो बिल्कुल कगार पे है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स की लिस्ट जो है वो रेड डेटा बुक में होती है। तो एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स दैट इज द ऑप्शन 3 जो है ये इसका राइट आंसर है। ये रेड डेटा बुक जो है ये ऐसा एक सोर्स है जहां से हमें ये पता चलता है कि कौन से प्लांट्स एंडेंजर्ड है जिसको हमें ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करना है, और कौन से ऐसे एनिमल है जो एंडेंजर्ड बन चुके हैं इसलिए उसका जो शिकार है या फिर जो उसकी हंटिंग होती है उसको रोक देना है। तो रेड डेटा बुक पूरी दुनिया के लिए गाइडलाइन की तरह है कि कौन से प्लांट्स को बचाना है और कौन से एनिमल्स को बचाना है। तो रेड डेटा बुक ये लिस्ट है एक प्रकार की जिसमें सारे एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स के नाम दिए गए हैं। ओके, तो ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज प्रिजर्व इन द नेशनल पार्क, मतलब नेशनल पार्क में किसका प्रिजर्वेशन किया जाता है? देखिए हमारे इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क है, आपने आपने बहुत बार विजिट भी किया होगा किसी नेशनल पार्क को, और नेशनल यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में कि नेशनल पार्क में किस बात को प्रिजर्व किया जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है फ्लोरा, देन फौना, देन लिखा है बोथ ए एंड बी, एंड देन नन ऑफ द हज। सी फ्लोरा जब भी बोला जाता है इसका मतलब होता है प्लांट्स, प्लांट्स को हम कलेक्टिवली फ्लोरा बोलते हैं। फौना बोला जाता है एनिमल्स को, मतलब जो भी एनिमल्स वहां पे होंगे उनको कलेक्टिवली एनिमल्स बोला जाता है। तो नेशनल पार्क में जो है वो उसमें प्लांट को कंजर्व किया जाता है और उसके साथ साथ एनिमल्स को भी कंजर्व किया जाता है, मतलब प्लांट्स को भी कंजर्व करते हैं एनिमल्स को भी कंजर्व करते हैं। इसका मतलब है कि फ्लोरा भी कंजर्व होता है फौना भी कंजर्व होता है। तो यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, मतलब ए एंड बी दोनों, तो थर्ड जो ऑप्शन है ये बराबर है क्योंकि प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है एनिमल्स को भी कंजर्व किया जाता है, दैट इज वाई आंसर इज बोथ ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द बिश्नोई मूवमेंट। देखिए बिश्नोई मूवमेंट जो है ये इन्वायरमेंट के रिलेटेड सबसे खास एक मूवमेंट है जो हिस्ट्री में हमें दिखाई देती है, क्योंकि बिश्नोई जो मूवमेंट है वो अमृता देवी के साथ रिलेटेड है। अभी अमृता देवी कौन है या फिर ये बिश्नोई वूमन जो है इसका क्या रोल है हिस्ट्री में? देखिए ये राजस्थान की बात है, ये हिस्टोरिकल बात है कि राजस्थान में एक बार जो किंग थे, किंग ने बोला था कि उनको नया पैलेस बनाना है, उनको एक नया महल बनाना था, एक नया पैलेस बनाना था। तो पैलेस के लिए जो है ना वो लकड़ियां चाहिए थी, तो उनको ऊंट की जरूरत थी बहुत ज्यादा। तो उन्होंने अपने प्रधान से कहा कि आप जंगल जाइए और वहां से ऊंट लेके आइए, जितना भी चाहिए उतना ऊंट आप जंगल कट करके वहां से ले आइए। तो जब ये प्रधान अपने कुछ सैनिकों के साथ जब वो जंगल में पहुंचे तो वहां उनको बिश्नोई कम्युनिटी के लोग मिले। अब देखिए ये जो बिश्नोई कम्युनिटी है ये राजस्थान में है, और ये कम्युनिटी जो है ये बहुत इको फ्रेंडली कम्युनिटी है, मतलब ये इकोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। एक्चुअली ये जंगल में ही रहते हैं और जंगल के सारे एनिमल्स जो है वो इन्हीं के साथ रहते हैं। तो ह्यूमंस और एनिमल्स साथ साथ कैसे रह सकते हैं, इसका एक खास एग्जाम्पल बिश्नोई कम्युनिटी है। तो बिश्नोई कम्युनिटी के साथ उनका वहाँ पे कॉन्टैक्ट आया, तो बिश्नोई कम्युनिटी के लोगों ने कहा कि हम आपको यहाँ पे जंगल तोड़ने नहीं देंगे। तो जंगल तोड़ने नहीं देंगे कहने के बाद में वो सैनिक और वो जो प्रधान है वो एक बार अपने किंग के पास वापस लौट गया, तो उन्होंने किंग को सारी बात बताई कि ऐसा हुआ है और बिश्नोई कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं कि वहां पे आप जंगल को कट नहीं कर सकते क्योंकि वो जंगल के आसपास ही रहते हैं और जंगल से उनका सारा फूड आता है और एनिमल्स के रहने की जगह भी जंगल है, इसलिए वो कह रहे हैं कि वहां पे आप जंगल को कट नहीं कर सकते। तो इस पे किंग ने ये ऑर्डर दिया कि आप वहां पे फिर से जाइए और जो भी लोग बीच में आते हैं उनको आप रास्ते से हटाइए, और उसके बाद वो वहां से जंगल से ऊंट हमें लाना ही है। तो जब किंग और उसके जो प्रधान थे और उनके सैनिक थे जब वापस जंगल पहुंचे तो वहां पे बिश्नोई कम्युनिटी के लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने कहा कि वो प्लांट्स को तोड़ने नहीं देंगे, और उन्होंने जो ट्रीज थी वहां पे तो उन्होंने ट्रीज को हक करना शुरू कर दिया कि वो ट्रीज को ऐसे पकड़ लेते थे कि इसको हम काटने नहीं देंगे। तो सैनिकों ने उन्हें वार्न किया कि देखिए कि अगर आप ट्री को काटने नहीं देंगे तो हम आपको भी मार देंगे, तो आपने बीच में नहीं आना है। लेकिन ये बिश्नोई कम्युनिटी के लोगों ने सुना नहीं, उसमें खास थी अमृता देवी। अमृता देवी ने क्या किया कि उन्होंने एक प्लांट को ऐसे टाइटली पकड़ लिया, और उनकी 3 बेटियां थी,
शी हैज़ थ्री डॉटर्स, तो इन तीन बेटियों ने भी प्लांट्स को पकड़ लिया कि हम काटने नहीं देंगे। तो वहाँ पे प्रधान ने ऑर्डर दे दिया कि अगर ये लोग हटने नहीं वाले हैं तो आप प्लांट के साथ साथ इन्हें भी कट कर दीजिए। तो सैनिकों ने उन पर हमला किया और इस हमले में अमृता देवी उनकी डेथ हो गई, उनकी थ्री डॉटर्स की भी डेथ हो गई। तो थ्री डॉटर के साथ अमृता देवी की डेथ होने के बाद उन्होंने पूरा वो जंगल वहां पे काट दिया और जंगल से सारी लकड़ियां लेके उन्होंने पैलेस बना दिया। तो ये जो इन्वायरमेंट का मूवमेंट था, जब किसी कम्युनिटी ने रजिस्ट किया था कि हम जंगल को कट करने नहीं देंगे, आज के डेट में हम इन्वायरमेंट को या फिर जंगल्स को या फिर फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा हम सीरियसली लेते हैं, हम किसी को कट करने नहीं देते। आज स्ट्रिक्ट लॉ है ना, कोई किंग लॉ आजकल चलता है, तो हमारे पास आज कॉन्स्टिट्यूशन है और लॉज है उसके रिलेटेड, इसलिए हम जंगल को बचा पाते हैं। लेकिन तब जो अमृता देवी ने करेज दिखाया था कि हम जंगल को कट करने नहीं देंगे, तो ये बड़े एग्जाम्पलरी था, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी था। तो इसीलिए ये जो बिश्नोई मूवमेंट है उसके रिलेटेड अमृता देवी का नाम हमेशा लिया जाता है। और आजकल जो 1980s से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अमृता देवी नाम से एक एनवायरमेंट कंजर्वेशन का अवार्ड भी देती है। तो आपको याद रखना है कि बिश्नोई देवी जो है ये बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और बिश्नोई मूवमेंट से भी वो जुड़ी हुई थी। ऑल राइट, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, आई होप कि आपके ये काम में आएंगे। प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड If you haven't subscribed yet, please subscribe to the Botany channel for UPSC examination. Again, thank you very much for watching. See you in the next video.